तो फ्रेंड्स चलिए हम गुजिया का टेक्सचर चेक कराते हैं कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी और करारी बनी है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुजिया की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, अब इसको अच्छे से छन्नी से छान लिया है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम 3 से 4 चम्मच घी। इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा मोम आटा में अच्छे से मिक्स हो गया है कि नहीं। तो मिक्स करने के बाद एक बार ऐसा मुट्ठी बांध के देख ले, इतना मोम होना चाहिए आटा में। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इसका एक सख्त सा डो तैयार कर लेंगे। तो आटा को अच्छे से मसल मसल कर गूंथना है ताकि आटा अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। इसी तरीके से गूंथ के तैयार कर लेना है आटा को। तो इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो आटा को ढककर हम साइड में रख देते हैं। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक कटोरी मैंने सूजी ऐड कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको रोस्ट कर लेंगे। तो सूजी को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। इस पर अच्छा से एक कलर आना शुरू हो गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सूजी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको अच्छे से इसको ठंडा कर लेना है। घी के गर्म होते हैं, इसमें ऐड करेंगे हम बादाम, साथ में ऐड करेंगे काजू 15 से 20। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। इसको हल्का रोस्ट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारा काजू और बादाम अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक थाली लिया है और हम खोवा के घिया कस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा खोवा को घिया कस कर लिया है। तो अब हम ऐड करेंगे ठंडा किया हुआ सूजी। अच्छे से मैंने इसको ठंडा कर लिया है। इसमें डालेंगे नारियल के बुरादा, साथ में जाएगा काजू और बादाम जो मैंने भून के तैयार किया था। अब ऊपर से जाएगा इलायची पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही में जाएगा चीनी के बुरादा। मीठा आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर फिलिंग हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब अगली तैयारी कर लेते हैं। तो आटा को एक बार हाथ से अच्छे से मसल लेंगे हम। अब इसका हम छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5-6 छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। तो बिल्कुल छोटा छोटा जैसा पूड़ी हम बनाते हैं ना, उस तरीके से बेल के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बेल लिया है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बिल्कुल हल्का सा पतला ही रखना है इसको। तो यहाँ पर मैंने 2 पूड़ी तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक साँचा लिया है गुजिया वाला। हम पूड़ी को इसके ऊपर रख लेंगे, अच्छे से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे इसको। इसको चारों तरफ हम पानी लगा लेंगे हल्का। अब हम तैयार किए थे जो फिलिंग, अब उसके इसके अंदर हम डाल देंगे। तो अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे इसको, हल्का सा दबा देंगे चारों तरफ से। और ऊपर वाला जो पूड़ी हल्का हल्का जो बच रहा है उसको हम इस तरीके से काट कर निकाल लेंगे। तो गुजिया हमारा रेडी है। इसी प्रकार से हम सारा गुजिया को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा गुजिया को अच्छे से गढ़ लिया है तो चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम अच्छे से हो चुका है। तो अब हम गुजिया को इसमें डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ पर अच्छे से चला लेंगे। इसमें अच्छे से कलर हल्का हल्का ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो इसे 2 से 3 मिनट और हम पका लेंगे ताकि अच्छे से इसमें कलर आ जाए गुजिया में। तो यहाँ पे हमारा गुजिया गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तब हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ऐसे ही बचा हुआ गुजिया भी हम फ्राई कर लेंगे। तो सारी गुजिया हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम सर्व करके दिखाएंगे। तो अब चलिए हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारी हलवाई स्टाइल हमारी खोवा के गुजिया हमारा रेडी है। फ्रेंड्स, अगर हमारा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।